The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं. आप Play Store से भी इसे download कर सकते हैं and App Store से भी इसे download कर सकते हैं. जैसे आप application download करेंगे, आपको login करना होगा. login करने के बाद आप store पे click कर सकते हैं. store में आपको course list मिलेगी. इस course list में से आप अपना desired course select कर सकते हैं and enroll कर सकते हैं. For example, अगर मैं Forensic Science and Net की preparation कर रही हूँ, तो मैं Forensic Science Net का course select करूँगी. अगर मैं Criminal की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, PVRC और question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ विक्टिम्स, कि विक्टिम्स के राइट क्या होते हैं. उन हकों की बात करेंगे जो विक्टिम्स के पास होते हैं. अब किसी भी क्राइम में, फॉर एग्जांपल अगर क्राइम हुआ है, राइट, अगर क्राइम हुआ है तो दो पार्टी होती है. एक तो होगी विक्टिम वाली साइड और दूसरी होती है परपेटर. राइट्स की साइड पर मैं एरो नहीं बनाती. ये तो हो गया क्रिमिनल. अब क्राइम हुआ है तो एक तो क्रिमिनल होगा ही, राइट. सो ये क्रिमिनल वो पर्सन होता है जो सारे के सारे बुरे काम किस पे एग्जीक्यूट करता है, विक्टिम पे. सो विक्टिम वो पार्टी होती है जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसको हार्म हुआ है, जिसको इंजरी हुई है, या फिर अगर किलिंग का केस है या मर्डर का केस है तो जिसका मर्डर हुआ है, जिसकी किलिंग हुई है. ओके, सो वो होते हैं विक्टिम्स. अब विक्टिम्स के कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ हक हैं, उन्हीं हकों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. अब जब हम विक्टिम्स के बारे में पढ़ते हैं या विक्टिम्स से रिलेटेड कोई भी स्टडी हम करते हैं तो विक्टिमोलॉजी के अंदर आती है. मैंने बहुत सारी क्लासेस में बताया है, जब एल ओ जी वाई एड हो जाता है किसी भी वर्ड के साथ तो इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ विक्टिम्स आप बोल सकते हो. यहाँ पे विक्टिम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उनकी साइंटिफिक स्टडी हम कर रहे हैं तो ये कहलाती है विक्टिमोलॉजी. या फिर डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई हुई है, द स्टडी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ देयर एक्सपीरियंस. अब किसी भी क्राइम के दो तरीके के इफेक्ट्स होते हैं. कौन कौन से दो तरीके के इफेक्ट होते हैं? एक तो होता है फिजिकल. पहला होगा फिजिकल इफेक्ट, कि चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर फूट गया, फिजिकल इफेक्ट है ना, कि बॉडी में चोट लग गई या फिर फिजिकल चोट लग गई. एक होता है साइकोलॉजिकल. एक क्या होता है? साइकोलॉजिकल. सो साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, कि किसी भी ऐसे क्राइम से बहुत ज्यादा कभी भी विक्टिम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं या फिर वापस से सोशली खुद को रीस्टोर नहीं कर पाते, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है और फिजिकल इफेक्ट होता है ना. तो ये दोनों ही इफेक्ट्स विक्टिमोलॉजी के अंदर आते हैं. विक्टिमोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि क्राइम का क्या असर हुआ है उस विक्टिम पे और उस विक्टिम को हम कैसे रिहैबिलिटेट करें वापस से उसकी नॉर्मल लाइफ में. आपने
आपने एक मूवी देखी होगी जो एसिड अटैक्स पे बनी हुई है, उसमें भी इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा रोशनी डाली गई थी या फिर बहुत ज़्यादा इस एरिया को लाइट में लाया गया था कि वो सारे विक्टिम जिन पे एसिड अटैक हुआ है वो कितने ज़्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल पेन से होके गुजरते हैं। एंड फिजिकल पेन एक टाइम के बाद वो तो जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो तो इरिवर्सिबल होता है ना, वो वापस से इतनी सर्जरीज कराने के बाद भी उनका फेस वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता या फिर बॉडी या फिर आंखों की रोशनी चली गई है तो वो वापस से नहीं आती ऑफ कोर्स, बट उससे जो उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे इफेक्ट, जो उनकी साइकोलॉजी, ठीक है साइकोलॉजिकल बिहेवियर कहना उतना सही नहीं होगा, पर उनकी साइकोलॉजी में जो इफेक्ट पड़ती है, साइकोलॉजी में इफेक्ट पड़ती है, उनके रहन सहन में, लोगों से मिलना जुलना, इन सारों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसी को ही रिहैबिलिटेट करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज है, बहुत सारी एनजीओज है जो काम कर रही हैं, जो इसी एरिया पे अभी लगी हुई है। तो विक्टिम्स की स्टडी को हम कहते हैं विक्टिमोलॉजी। सो चाहे वो फिजिकल इफेक्ट हो या फिजिकल ट्रॉमा हो या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, ये दोनों ही स्टडी विक्टिमोलॉजी के अंदर आती है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है बट डिफरेंट भी है। एक तो हो गई विक्टिमोलॉजी जिसके बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा, एक हो गया विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन और विक्टिमोलॉजी एक तो बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स हैं बट इनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, हम देख लेते हैं। विक्टिमाइजेशन क्या है? इट इज द आउटकम। विक्टिमाइजेशन है आउटकम ऑफ दैट डेलिबरेटली टेकन एक्शन बाय अ पर्सन। अब इस पर्सन को आप बोल सकते हो कि ये पर्सन क्रिमिनल है या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि विक्टिम को एक्सप्लॉइट कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। विक्टिमाइजेशन क्या है? आउटकम। ओके, सो विक्टिम वो बन गया, जब वो पर्सन विक्टिम बन गया तो ये जो डेलिबरेट एक्शन लिया गया है, डेलिबरेट एक्शन ये होता है कि सोची समझी कोई भी ऐसा स्टेप जो सोच समझ के लिया गया हो तो वो डेलिबरेट एक्शन होते हैं, डेलिबरेटली टेकन एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए ने डेलिबरेटली गोली चलाई बी पे, ठीक है, तो ये क्या है? ए ने गोली बी पे चला दी, बी के पैर पे, लेट से हाथ पे जाके गोली लगी, बी जिंदा है, अभी इसकी मौत नहीं हुई है, तो बी जिंदा है, बी को गोली लग गई। अब क्या हो गया? इस पर्सन को, बी को हार्म हुआ, है ना, क्या हुई? इंजरी हुई। सो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालेगा कि भाई गोली झेलना बहुत बड़ी बात होती है, फिजिकल इफेक्ट तो चोट तो लगी गई है बहुत बुरी, तो ये दोनों ही इफेक्ट बी पे आ रहा है, तो बी यहाँ पे विक्टिम हुआ। और विक्टिमाइजेशन क्या है? ये इस पूरे के पूरे एक्शन का, ये जो गोली चलाने वाला एक्शन हुआ है, ये पूरे के पूरे एक्शन का आउटकम है विक्टिमाइजेशन, ठीक है। तो वो कोई एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, ओके। विक्टिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विक्टिमाइजेशन। अब विक्टिमोलॉजी क्या है? इस पूरे के पूरे एक्शन की ही स्टडी है, ये एक्शन विक्टिमाइजेशन है कि कैसे बी विक्टिम बना। अब ये विक्टिमाइजेशन जो प्रोसेस है उसकी स्टडी हम करते हैं विक्टिमोलॉजी में। द हार्म दैट इंक्लूड्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल डैमेज, इकोनॉमिक लॉस और एनी सेक्सुअल इंजरी। सो कोई भी इंजरी हो, ये विक्टिमोलॉजी, इसकी स्टडी विक्टिमोलॉजी का पार्ट होती है, ओके। नाउ विक्टिम्स के राइट क्या क्या होते हैं? विक्टिम्स के कुछ राइट हैं, इनको कुछ राइट मिलते हैं। तो विक्टिम राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे हैव वेरी फ्यू लीगल राइट्स। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि विक्टिम्स के पास बहुत ही कम लीगल राइट्स होते हैं एज कंपेयर टू क्रिमिनल्स और अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, सो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो परपिटरेटर है या जो अक्यूज्ड पर्सन है या फिर जो क्रिमिनल है, उसके पास एज कंपेयर टू विक्टिम्स कहीं ज़्यादा राइट्स होते हैं। विक्टिम्स के पास ये राइट नहीं होता कि उनको ट्रायल्स के बारे में बताया जाए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया जाए, अरेस्ट के बारे में बताया जाए, बट दे डू हैव राइट टू बी नोटिफाइड, हर्ड एंड प्रेजेंट विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब कोर्ट में, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, पुलिस टीम आ जाती है, आपकी कोर्ट की टीम आ जाती है, आपके लॉयर्स आ जाते हैं, है ना, फोरेंसिक साइंस भी इसका एक पार्ट है। तो इन सभी की जानकारी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना और उस
प्लेस पे, मतलब कोर्ट पे प्रेजेंट रहने का राइट विक्टिम्स के पास होता है. ओके, सो द विक्टिम असिस्टेंट प्रोग्राम इज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट बट द कोर विक्टिम राइट्स आर गिवन बिलो. अब यहाँ पे देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स है. राइट टू अप्लाई फॉर कंपनसेशन. कंपनसेशन के लिए विक्टिम्स अप्लाई कर सकते हैं. जितना भी डैमेज उनको झेलना पड़ा है उस डैमेज का कंपनसेशन वो ले सकते हैं अक्यूज से या फिर जो परपेट्रेटर है उससे. राइट टू स्पीडी ट्रायल. अगर बहुत धीमा चल रहा है सारा का सारा ट्रायल, सुनवाई ही नहीं हो रही है, डेट ही नहीं मिल रही है, अगर तारीख पे तारीख पे तारीख वाला सीन हो रहा है तो ये विक्टिम्स के पास राइट होता है कि वो स्पीडी ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव राइट टू अटेंड द क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोर्ट्स. सो कोर्ट में आपने कोर्ट रूम ड्रामा या मूवी देखी होगी, कोई भी वेब सीरीज देखी होगी, तो उसमें आप देखते हो ना कि जज बैठे होते हैं, दो बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसमें आके क्रिमिनल खड़ा होता है या फिर जो गवाही देने आता होता है वो खड़ा होता है, दोनों पार्टी के लॉयर्स खड़े होते हैं. ये सारा का सारा ये कोर्ट का जो अरेंजमेंट होता है ऐसा कुछ होता है. और आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग भी बैठे हुए होते हैं, लाइक ऑडियंस जैसी बैठी होती है, तो उस ऑडियंस में जो विक्टिम है वो भी प्रेजेंट रह सकता है. विक्टिम्स के पास भी ये राइट है कि वो वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग. अब इसको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट की हम बात कर रहे हैं. तो जब क्रिमिनल एक्ट होता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, और इस प्रोसीडिंग में विक्टिम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये उनके पास राइट है. देन वी हैव राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन. सो क्राइम अगर हो गया तो उसके बाद और हरासमेंट ना हो या फिर और कोई प्रॉब्लम उनको फेस ना करनी पड़े, इस वजह से उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट या हमारी लॉ. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट का राइट भी विक्टिम्स के पास है. इसी वजह से आपने कई बार ये देखा होगा कि उनकी आइडेंटिटी हम कंसील करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फर्दर हरासमेंट विक्टिम के साथ हो. देन वी हैव राइट टू प्रॉम्प्ट रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सीज्ड एज एविडेंस. सो कोई भी अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी आपका पर्सनल एलिमेंट है जो आपने एज एविडेंस दिया हुआ है, तो वो आप उसे क्या कर सकते हो, वापस मांग सकते हो, वापस ले सकते हो एक बार सारा तामझाम हो गया तो. ठीक है, सो ये राइट भी विक्टिम्स के पास होता है. मतलब विक्टिम से अगर एज एविडेंस हमने उनकी कोई पर्सनल चीज़ ली है या फिर उनकी कोई पर्टिकुलर चीज़ हमने अपने पजेशन में रखी हुई एज अ एविडेंस, तो बाद में जो विक्टिम है वो बोल सकते हैं कि मुझे मेरा सामान चाहिए, क्योंकि अब एज जो एविडेंस का पर्पज़ था वो फुलफिल हो चुका है. तो ये सारे राइट्स विक्टिम्स के पास होते हैं. कुछ और राइट्स भी हैं, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया. राइट टू अटेंड द ट्रायल एंड प्रोसीडिंग. राइट टू बी ट्रीटेड विद फेयरनेस, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. चाहे कोई भी क्राइम हो, कैसा भी क्राइम हो, विक्टिम्स के पास ये राइट होता है कि उनको फेयरनेस से ट्रीट किया जाए, उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, उनको रिस्पेक्ट किया जाए. टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोसीडिंग एंड इवेंट्स सच एज रिलीज ऑफ द डिफेंडेंट. सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखने का हक विक्टिम्स को होता है. अवॉर्डेड रेस्टिट्यूशन फ्रॉम अ कन्विक्टेड ऑफेंडर. सो बेसिकली ये रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड है. कोई भी कन्विक्टेड ऑफेंडर है उनका रीइंस्टिट्यूशन अवॉर्ड किया जाना चाहिए. टू बी हर्ड एट क्रिटिकल पॉइंट्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सच एज सेंटेंसिंग और पैरोल हियरिंग्स. सो सेंटेंसिंग के टाइम में भी विक्टिम्स की बात हमें सुननी चाहिए और पैरोल हियरिंग में भी बातें हमें सुननी चाहिए और उसको तवज्जो देनी चाहिए. तो ये सारे के सारे राइट्स विक्टिम्स के पास होते हैं. सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर. और हमने क्या पढ़ा, विक्टिमोलॉजी, राइट्स ऑफ विक्टिम्स. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट, यू कैन टेक्स्ट अस, हम वो डिस्कस कर लेंगे. आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.